रुको, ये क्या कर रहे हो? खाना खा रहा था। पर तुमने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। हाँ, ऑर्डर नहीं किया था, पर कोई खाना छोड़कर गया था और मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, सोचा खा लेता हूँ। तुम किसी का झूठा खाना कैसे खा सकते हो? और बिना पूछे अंदर चले आए और खाने भी लग गए। दरअसल मैम साहब, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। वैसे भी आप बच्चे के खाने को तो फेंकते ही हो ना मैम साहब। नहीं, ऐसा नहीं होता। रुको, कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ कहीं, जहाँ मुझ भूखे को खाना मिल जाएगा। और तुम्हें पता है ये खाना कहाँ मिलेगा? पता तो नहीं है, पर ऊपर वाले ने अगर पेट दिया तो उसे भरेगा भी। कहीं जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, आओ यहाँ बैठो। आपने मुझे क्यों बैठा दिया? वो क्या है ना, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना अंदर तैयार हो रहा है, उसे खाकर जाना। गर्मा गर्म खाना? मगर मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। नहीं नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, तुम मेरी तरफ से उसे फ्री समझो। फ्री? एक बात समझ नहीं आई, अभी कुछ देर पहले तक जो मैं किसी का बच्चा हुआ खाना खा रहा था तो वो आप मेरे सामने से उठा कर ले गए, और अब मुझे खुश करने के लिए गर्मा गर्म खाना खिला रही हो। अगर आपको मेरा पेट भरना ही था तो फिर मुझे वही खाना खाने देती ना। मैं वो खाना तुम्हें तब खाने देती अगर मेरा इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं होता, या खाने को कुछ नहीं होता, या आसपास कोई दुकान नहीं होती। पर अगर मेरा इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और मेरे रेस्टोरेंट में कोई किसी का झूठा खाना खा रहा है, मैं ये कैसे देख सकती हूँ? क्या फ़ायदा मेरा ये रेस्टोरेंट खोलने का या इतने पैसे कमाने का, अगर मैं किसी भूखे इंसान का पेट ही ना भर सकूँ? आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ ना। मेरे पास आपको कहने के लिए शब्द नहीं है। मैंने इंसान तो बहुत देखे हैं, पर इंसानियत सभी में नहीं होती। आप उनमें से एक हैं, एक भूखे का पेट भर रही है आप। ईश्वर करे कि आप खूब तरक्की करें। आपकी दुआ मिल गई, वही काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भूखे का पेट भर रही हो आप, दुआ ज़रूर काम करेगी। थैंक यू सो मच। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगवा के आती हूँ।